Hello everyone, we have question from parabola. The question is, if the common tangent to the parabola is y square equal to 4x and x square equal to 4y, also touches the circle x square plus y square equal to c square, then c is equal to, हमें यहाँ पे क्या करना है, c की value find out करना है, जिसके लिए क्या बोला कि दो parabola दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पे एक parabola क्या दे रखा है, y square equal to 4ax दिया हुआ है, so y यहाँ पे क्या 4x दिया हुआ है, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है, x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या 4y दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि एक जनरल टर्म की बात, मतलब जो एक जनरल फॉर्मूला होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक पैराबोला क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, इसके लिए स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू होगा mx और प्लस में क्या होता है aym होता है। और अगर हमारा दूसरा पैराबोला दिया हुआ x स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ay दिया हो, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू होता है एम एक्स माइनस में क्या होता है ए एम स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे इस पैराबोला की हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, और जो इसका c होगा, इसके c की क्या होगा, ये मतलब कि ये जो पार्ट होगा इसके इक्वल होगी, दोनों की टेंजेंट एक जैसी, मतलब दोनों एक सेम टेंजेंट है, इसलिए इसकी क्या इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, इसकी मतलब कि यहाँ से क्या लिखते हैं, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एम, तो यहां से क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस ए वाई एम हो जाएगा। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस में ए वाई एम आ जाएगा। और हमें पता है कि ये स्लोप इसके इक्वल होगी, यहाँ पे ए क्या होगा, जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू वन होगी, क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एम एक्स प्लस वन बाई एम होगा। सिमिलरली अगर हम दो इसके लिए अगर टेंजेंट की इक्वेशन एड ऑन करें तो हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स माइनस में क्या एम स्क्वायर होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे इनको जब इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो यहाँ से ये इक्वल है तो इसको भी क्या इक्वल होना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ से इक्वल होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस में एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वन बाई क्या एम के इक्वल हो जाएगा। तो एम क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम क्यूब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस वन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एम की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, एम इक्वल टू आ जाएगा माइनस में वन हो जाएगा। जब एम हमें माइनस वन मिल गया तो हम यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन एड ऑन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा क्या वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस में वन आ जाएगा। हम इस किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा वाई और प्लस में हो जाएगा वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये क्या आ गई हमारी दो टेंजेंट आ गई, जो क्या है दोनों के कॉमन है, तो कॉमन टेंजेंट आ गई। तो फिर अभी हमें क्या बोला, जो ये टेंजेंट है एक सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है, सर्किल को टच कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन कुछ ऐसे, ये ऐसे पास हो रही है, ये ऐसे है, सर्किल को यहाँ पे टच कर रही है। तो सर्किल का ये यहाँ पे, अगर ये सर्किल क्या है, सेंटर है, ये सर्किल का सेंटर हो गया, सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस कहलाएगी। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ये आर होगा, ठीक, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी यहाँ सेंटर से अगर हम इसकी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई, डिस्टेंस फाइंड आउट करने जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ से क्या रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेडियस सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें c क्या दे रखा है, यहाँ पे रेडियस क्या है, c के इक्वल होगा। और जो हमें यहाँ पे पैराबोला, जो सर्किल दिया है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, मतलब हमें यहाँ पे रेडियस क्या दिया, सेंटर ऑफ सर्किल क्या दिया, 0.0 दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक जनरल एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक लाइन क्या दे रखा है, ए एक्स दिया है और प्लस में बी वाई और प्लस में क्या सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, और एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्या एक्स वन कॉमा क्या वाई वन दिया है। तो जब यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स वन हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ से क्या बी वाई वन और प्लस हो जाएगा सी होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी की यहाँ से इस लाइन की
डिस्टेंस 0,0 से पास फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 0 प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सी की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सी हो जाएगा यहाँ से 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसको बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना था, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करके हमें सी फाइंड आउट किया कितना आ गया, 1/√2।